हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ। जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों को लिक्विड ऑयल टैक्स इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी टाइप के टैक्स को एक लिक्विड टैक्स में बदल सकते हैं बहुत ही ईजिली। बेसिकली ये एक मॉकअप PhD है। आप सभी को पता होगा कि मॉकअप PhD बहुत ही ईजी होती है वर्क करने के लिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है मेरे दिए हुए लिंक से और कैसे आपको इसको एडिट करना है बिल्कुल सही तरीके से। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर किसी को किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने हैं, जो स्क्रीन में आपको इस वक्त नंबर दिखाई दे रहा है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस नंबर को कॉपी करें और मेरे से आप बात कर सकते हैं किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए। तो गाइस, मैं अपने पुराने यूजर को कुछ बताना चाहता हूं, जो मेरे ओल्ड यूजर है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ मेरा चैनल पहले से ही। तो बहुत सारे यूजर ने बेल आइकन को नहीं दबाया सब्सक्राइब करने के टाइम पे, तो इससे होता यह कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नहीं पहुंचती है। और बहुत सारे लोगों ने दबा रखा है, जिन्होंने दबा रखा है वो लोग तो मेरे वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है उन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती। तो प्लीज एक बार मेरे चैनल पर फिर से विजिट करें और आप चेक करें कि अगर आपने सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जो आता है वो दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ आप उसको दबा लें, अगर दबा दिया है तो बिल्कुल ओके है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आने वाले टाइम पे अभी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे बेल आइकन होता है। तो गाइस, वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहले अपना चैनल को ओपन करूंगा। तो यहां पे मैंने अपना चैनल ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, यहां पे आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हो वो यही वाली वीडियो है, ठीक है। मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके रखा हुआ किसी और आईडी से और यहाँ पे मेरा ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है। तो मेरे चैनल पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एरिया मिलता है। इस डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको यहाँ पे शो मोर मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है ये दबा लें, ठीक है। जो भी मेरे नए यूज़र हैं या फिर जो पुराने यूज़र हैं, तो यहाँ पे बेल आइकन जो आता है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑल का, तो यहाँ पे आप ऑल दबा लें। तो मेरे नए यूज़र प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जो मेरे पुराने यूज़र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे वो चेक कर लें कि बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं डाउनलोड की तरफ, तो जैसे कि यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पर शो मोर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से आपको मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा सोशल मीडिया का सारा लिंक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फॉलो मी, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसी है। और यहाँ पे मेरा एक दूसरा चैनल का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं तो इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है आपको, विजिट करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड लिंक लिखा हुआ आएगा आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड लिंक, आपके पास यहाँ पे एक लिंक है तो ऐसे ही लिंक आएगा। यहाँ पे आपके पास Windows 32 bit और 64 bit का लिंक आएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप फाइल को एक्सटेंड करेंगे, अगर वो फाइल एक्सटेंड नहीं हो रही है, आपके पास एरर आ रहा है अचीव नॉट फाउंड या तो डैमेज का, तो यहाँ से आप विंडार को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मेन डाउनलोड अभी अपना यहाँ पे है, मान लेते हैं कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ वो आपको लिंक यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे ही, ठीक है। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करना है। ये मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटी रॉय लिखा आ रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए बटन है। यहाँ पे अगर दबाते हैं बटन तो यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल के आप यहाँ पे ये जो गेट नोटिफिकेशन है इसको दबा देंगे तो इससे होगा ये। जैसे मैं आप पोस्ट करूंगा कोई भी पोस्ट अपने वेबसाइट पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो यही वाला वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिखाई देगा, इधर बीच में उसका यहाँ पे नाम दिखाई देगा और ये मैंने कब पोस्ट करी यहाँ पे वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा इधर, उसके बाद यहाँ पे उसका वीडियो दिखाई देगा और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डाउनलोड लिंक। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये गूगल ड्राइव की वेबसाइट है, आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा के डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने डाउनलोड करने का तरीका। तो ये तो था डाउनलोड करने का तरीका और मैंने आपको सब्सक्राइब भी बता दिया और बेल आइकन भी बता दिया। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन एक बार चेक करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लें आप, ठीक है। और जो मेरा चैनल नया सब्सक्राइब कर रहा है प्लीज़ बेल आइकन आप भी जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो गाइस, इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, डेस्कटॉप में मैंने एक विनार की फाइल रखी हुई है, जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जब आप मेरे दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास भी एक ऐसी विनरार की फाइल आएगी जिसको आपको डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस फाइल का मैं आपको एक बार एमबी चेक करवा देता हूँ। इस फाइल की बहुत ही छोटी एमबी है, सिर्फ 10.9 एमबी की फाइल है। इसको डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है, आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जब डाउनलोड आप इसको कर लेंगे तो आपको सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस विनरार की फाइल को डबल क्लिक करेंगे जैसे कि अभी मैंने कर दिया है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ आता है। जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते के साथ ही आपको छोटा सा एक विंडो खुलता है। इस विंडो में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप उसका लोकेशन सेट कर देंगे। मैं इसका कोई लोकेशन नहीं देने वाला, मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इसमें लोकेशन चेंज नहीं करूँगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करते के साथ ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो जो ये विनरार की फाइल है इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में आपको दिखाता हूँ, मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको इस फोल्डर के अंदर एक बार जाके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर। जस्ट डबल क्लिक करना है आपको इसको, उसके बाद आपको एक फोल्डर और दिखाई देगा। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक फॉन्ट का फोल्डर है और एक PSD फाइल का फोल्डर है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉन्ट भी दे रहा हूँ क्योंकि इस फॉन्ट की मदद से ही आप अपने फाइल को टेक्स्ट को इफेक्ट दे पाएंगे। ये फॉन्ट हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी के पास विंडोज 7 है तो आपको फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास विंडो ऑलरेडी यहाँ पे 10 है। जिसके पास भी विंडोज 7 है आप जस्ट इस फॉन्ट को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में फॉन्ट ढूंढेंगे, वहाँ पे या तो सर्च कर लेंगे, फॉन्ट का एक फोल्डर दिखाई देगा, उस फोल्डर में जाके आप अपने फॉन्ट को पेस्ट कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे विंडो 10 है, यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका अलग होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे फोल्डर पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तीन विनरार की फाइल आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो ऐसे ही आपके पास भी तीन विनरार की फाइल शो करेगी। अब यहाँ पे हम लोग को फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक साथ कर लेते हैं, हम लोग सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हेयर, तो यहाँ पर जस्ट आपको ये दबाना है। जैसे आप इसको दबाएंगे आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे आपकी फाइलें एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अभी हम लोग की फाइल सारी मिक्स हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद जो भी आपकी फॉन्ट की फाइल है आप पहचान सकते हैं कि फॉन्ट की फाइल कौन सी होती है। ये वाली फॉन्ट की फाइल है जिसको मैंने क्लिक करके रखा है और कंट्रोल दबा के ये वाली फाइल पे भी क्लिक किया और ये वाली फाइल पे भी क्लिक किया। तो यहाँ पे ये तीन फॉन्ट है, बाकी जितनी भी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है, जिसने भी ये फॉन्ट बनाया है उसकी एडवर्टाइजमेंट है, तो उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो तीन फॉन्ट की फाइल है जस्ट हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा विंडो 10 है, विंडो 10 में फॉन्ट को इंस्टॉल करने का तरीका अलग होता है और विंडो 7 में अलग होता है। तो जिसके पास भी विंडो 7 है वो ये तीनों फॉन्ट को कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक किया ऐसे करके, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप अपने कंट्रोल पैनल में जाके जहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को रिमूव करते हो उस जगह पे, कंट्रोल जो पैनल होता है उस जगह पे जाके वहाँ पे सर्च का एरिया होता है फॉन्ट। अगर नॉर्मली आपको फॉन्ट वहाँ पे नहीं दिखाई दे तो आप सर्च करें वहाँ पे। सर्च करने के बाद आपको एक फोल्डर दिखाई देगा फॉन्ट का, जस्ट उस फोल्डर के अंदर आपको ये तीनों फॉन्ट को पेस्ट करना है। तो ये विंडो 10 है, विंडो 10 में हम लोग क्या करेंगे इन तीनों फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, किसी भी फॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल जो बटन आता है इंस्टॉल दबा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं फिर भी इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास ये येस और नो के लिए आ रहा है। तो आपके पास ये येस और नो के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में पहली बार आप इंस्टॉल करेंगे। अगर दूसरी बार करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास भी येस और नो आएगा क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ। तो मैं फिर भी येस कर देता हूँ इसको। मुझे तीन बार येस करना पड़ेगा क्योंकि तीन फॉन्ट है, दो बार मैंने कर दिया है, ये तीसरी बार भी मैंने इसको कर दिया है। तो ये मेरे तीनों फॉन्ट जाके इंस्टॉल हो रहे हैं अभी, ये तीनों फॉन्ट मैंने इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये फॉन्ट का काम तो हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैक। उसके बाद आती है हम लोग की PSD फाइल। तो PSD फाइल में डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 8 फाइल्स दिखाई दे रही होगी, यानी सॉरी 9 फाइल दिखाई दे रही है, लेकिन 9 में से एक हम लोग का थंबनेल है। तो इस थंबनेल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक JPG दिखाई दे रही है और एक PSD, फिर एक JPG, फिर एक PSD। तो यहाँ पे जो चार PSD यानी चार टाइप के आपको मैं यहाँ पे इफेक्ट्स दे रहा हूँ जो कि ये ऑयल लिक्विड इफेक्ट्स हैं, जो कि बहुत ईजी है इसको बनाना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कोई भी PSD को हम लोग उठा लेते हैं और इसके लिए आप फोटोशॉप कौन सा यूज़ करेंगे। फोटोशॉप CS4 से आप ऊपर ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 4 पे भी ये चल सकता है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 4 से नीचे ये डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो 4 से ऊपर या तो फिर 4 से CS4 से लेकर फोटोशॉप CC2020 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फोटोशॉप CS6 ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी PSD को यहाँ पे ओपन करूँगा। तो जैसे कि मेरी एक ये PSD है जिसमें लिखा हुआ जूसी, तो मैं जस्ट इसको ड्रैग करूँगा दबा के माउस से फोटोशॉप में ले जाके,
यहाँ पे मैं ब्लैंक एरिया में मैं छोड़ देता हूँ। जस्ट आपको भी ऐसे करके ओपन करना है। यहाँ पे मेरी फाइल ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले साइज सेलेक्ट करना है। जो भी आपको अगर साइज बनाना है तो आप इस वाली शीट पे आप इसको साइज चेंज करेंगे। साइज चेंज करना आपको आता ही है। इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ इमेज साइज, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला विंडो आता है। तो यहाँ से आप अपना साइज अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट कैंसिल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे बीच में एक लिखा हुआ आ रहा है जूसी और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है पीएचडी टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह। तो ये सब चीज़ हम लोग को एडिट करनी है। कैसे एडिट करनी है? अगर हम लोग लेयर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहली जो लेयर है जिसपे लिखा हुआ प्लेस योर टेक्स्ट, इसका मतलब आपको अपना टेक्स्ट इसी के ऊपर लिखना है। बाकी के जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो ग्रुप वाले फोल्डर है, इसके अंदर इस टेक्स्ट स्टाइल के सारे इफेक्ट्स डाले गए हैं जिसको हम लोग को नहीं छेड़ना है। वैसे छेड़ना चाहो तो आप छेड़ सकते हो, लेकिन ना छेड़ो ज़्यादा बढ़िया है। अभी हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। फॉन्ट हम लोगों ने कॉपी कर दिया था तो अभी हम लोग को फॉन्ट की दिक्कत नहीं आएगी। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पर रिप्लेस योर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस लेयर में जो बॉक्स बना हुआ था जिसमें पिक्चर दिखाई देती है, जस्ट उस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओके करने के लिए आएगा। जस्ट आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नई लेयर खुल गई है। मैं यहाँ पर एक छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी लेयर आपकी खुल जाएगी। तो खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इस लेयर के ऊपर आपको जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आप डेफिनेटली आप अपने स्टूडियो का नाम लिखोगे या फिर अपना नाम लिखोगे या तो किसी कस्टमर का नाम भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे मैं आपको इसके एक लेयर दिखा देता हूँ। यहाँ लेयर में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस लेयर पर क्लिक करके हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे। बाकी सारे लेयर के जो लिक्विड गिरे पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये लिक्विड वाले इफेक्ट यहीं पर है। हम लोग यहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी करेंगे। अभी मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग को चेंज करना है टेक्स्ट। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर जो टेक्स्ट का टूल होता है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसमें हम लोग कहीं पर भी क्लिक करके इसको हम लोग कर देते हैं सेलेक्ट। ये मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो मैं लिखना चाहता हूँ वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटी, SENTY, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिख चुके हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो यहाँ पर लिक्विड गिर रहा है अब हम लोग को इसको सेट करना है। तो हम लोग को लेयर पे काम है इसकी। तो यहाँ पे लेयर देखेंगे, अगर ये जो फोल्डर है इस फोल्डर को मैं अगर क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे हो गया टेक्स्ट और ये एक्स्ट्रा जो फोल्डर है, इसका मतलब इसी के अंदर आपके जो ये जो लेयर ड्रॉप हो रही है, जो ये लिक्विड ड्रॉप हो रहा है, ये लिक्विड की PNG फाइल है यहाँ पर है। तो अब हम लोग को अपना, मैं जूम हटा रहा हूँ एक बारी, और यहाँ पर मैंने शेप नंबर 22 जो है यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर आऊँगा। यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हाई जूम लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये मेरे तीनों लिक्विड दिखाई दे रहे हैं। मैं अपना एरो पे जा रहा हूँ। एरो पे मैंने सेलेक्ट किया है V दबा के, और अपने कीबोर्ड से मैं अपने इस फाइल को मूव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी फाइल मूव हो रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपको आता है फोटोशॉप, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मूव करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके एडजस्ट कर दी, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने एडजस्ट कर दी, ये हो गई। अब ये वाली फाइल करनी है, आप इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो लास्ट वाली लेयर होती है उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कर सकते हैं तो फिर माउस से भी कर सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। ये मैंने इसको सेट कर दिया ऐसे करके, ये देख सकते हैं मैंने सेट कर दिया। अब ये वही लेयर बची है एक, तो इस लेयर को भी हम लोग को सेट करना है। तो वैसे तो ये ऑलरेडी सेट है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो राइट क्लिक करके लास्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, और अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये मेरा सेट हो गया। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी जो ड्रॉप हो रही थी जो लेयर लिक्विड, वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है। नाम भी मेरा लिखा गया। अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो उसको Ctrl+T मार के जो मेरा नाम लिखा हुआ है उसमें बड़ा कर सकता हूँ। बड़ा करने के बाद जो नीचे के जो लिक्विड ड्रॉप्स हो रहे हैं उसको भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो इतना तो फोटोशॉप सभी को आता है, तो ये सब आप खुद ही कर सकते हैं। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना है। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे तो आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी उस लेयर के ऊपर जो लेयर हम लोगों ने फर्स्ट खोली थी। तो मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका नाम लिखा हुआ आ चुका है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ चुका है। ये वाली लेयर थी हम लोग की, ये वाली जिसपे हम लोग टेक्स्ट लिखा था, और ये लेयर थी जो अभी हम लोग के पास रिजल्ट आई है। ये तो हो गया हम लोग का। और यहाँ पर मैं इस वाली लेयर को पीछे कर देता हूँ एक बारी, और इस लेयर के अंदर मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है नीचे की तरफ में, जैसे मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर लेयर पे जाते हैं अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट था, ये रहा टेक्स्ट, इसको आप हटा देंगे। इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ से गायब हो गया। मैं अगर लगा देता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। ये लगा दिया तो ये वापस आ गया। तो मैं फिर से हटा देता हूँ। अभी क्या करना है, मान लेते कि आपने अपनी पार्टी का टेक्स्ट लिखा या फिर कुछ भी लिखा है, आपको ये अपनी फाइल जो टेक्स्ट लिखा है ये PNG फाइल में चाहिए और कहीं पर मूव करनी है।
तो यहाँ पे आप लेयर पे देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आप हटा देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट हो गया है। जो पीछे का जहाँ पे बैकग्राउंड वाइट कलर है इसको भी हटा देते हैं, जिससे सारी लेयर मैंने डिसेबल कर दी है, सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट को रखा हुआ है और ऊपर वाली जो लेयर थी रिप्लेस वाली इसको भी हम लोग डिसेबल कर देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हम लोग को, सिर्फ ये वाला जो बॉक्स था टेक्स्ट इफेक्ट वाला, इसी से हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग इस फाइल को अपने हिसाब से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी PNG फाइल है, तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपको लिखना है। ये तो मैंने एक छोटा सा वर्ड लिख के दिखा दिया आपको। तो ये तो था सारा का सारा एडिटिंग इस फाइल के अंदर, बहुत ही इजी था। फॉन्ट आपको पहले डालने के बाद जैसे मैंने आपको अभी काम करना बताया बिल्कुल आप वैसे ही काम करेंगे। इसके अंदर मैंने 4 PhD दिए, जैसे कि आपको मैंने दिखाई थी पहले यहाँ पे, ये वाली एक ऑयल PhD, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा कलर चेंज है। इस वाले में ऑरेंज कलर था बिल्कुल, इस वाले में ऑरेंज विद रेड था, यहाँ पे ब्लू एंड पर्पल कलर को मिक्स करके लिक्विड बनाया गया और यहाँ पे ये ब्लडी वाला लिक्विड आ गया, ब्लड जैसे गिरता है वैसा। तो ये 4 PhD आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में जरूर शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार विजिट किया है मेरे चैनल पर, जिन्होंने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जो मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ दोबारा से मेरे चैनल पर विजिट करें और देखें अगर आपने मेरे चैनल को बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया, अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ आप उसको जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएगी। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू रियली डिड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।